तो टर्की घूमते घूमते अभी हमें सिर्फ 3 दिन ही हुए थे कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका हमने इल्म भी नहीं किया था। हमारे साथ हुआ एक ऐसा स्कैम जो कि इस्तांबुल की गलियों में है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, और इसका पता हमें तब चला जब हमारे साथ ये स्कैम हुआ। सो लेट मी शो यू व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। तो न्यू डे की स्टार्ट हो गई है टर्की इस्तांबुल में। आज हम जा रहे हैं एक बहुत स्पेशल जगह प्रेरणा का। यहाँ पे टर्की में ना एक पैलेस भी है, डॉल्माबाशे पैलेस। बहुत सुंदर सुंदर फोटोज आती है, ऑब्वियसली इसकी फोटोज ही लेंगे हम, मेरी तो कोई फोटो लेगा नहीं। तो चलते हैं जल्दी से, लेट भी हो गए हैं, 12:30 बज गए हैं। क्योंकि इसकी तो कोई लेता नहीं, तभी इंस्टाग्राम पे इतनी हजारों फोटोज, वो भी इतने अच्छे अच्छे एंगल्स, इतने अच्छे पोजेस, इतने स्टाइल में। पर मेरी फोटोज पे, मेरी वीडियोस पे इसने कोई मेहनत नहीं करी है। अभी ना मैं पूरे दिन ऐसे रोने नहीं वाली हूँ, फिर मेरे को बोलेगा की रोती रहती है, काय काय करती रहती है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलने वाली। इसका जो मैंने वो करे, तेरी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। फिर भी कौन सा तूने मेरी फोटोज खींच लेनी है? दो ऑरेंज दे दे। चलो गाइस निकलते हैं, काफी लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। डॉल्माबाशे पैलेस जाना है और वहाँ पे बहुत ही प्रिटी सी पिक्चर्स क्लिक करानी है। लेट्स गो। तो जनाब 2 दिन घूमे नहीं है टर्की और इनको स्पा कराने की फिर से पड़ गई है। हाँ तो क्या हो गया, यहाँ की फेमस है यार। बहुत बढ़िया मुन्ना। फेमस तो यहाँ का हमाम सेंटर भी है, वहाँ क्यों नहीं जाता? चलते हैं, वहाँ भी चलते हैं। ट्रेन आ गई, भागो। चल अब तो रह गए हम, रह गए। अरे यार, ट्रेन बहुत स्लो है यार तू। देख छूट गई ना ट्रेन, टैक्सी कर लेते हैं, सांस भी चढ़ जाती है यार। पहुंचते पहुंचते सारा मेकअप उतर जाएगा, ड्रेस की बैंड बच जाएगी, फोटोज तो आएंगी नहीं फिर ढंग की। यार तेरे से बिल्कुल वॉक नहीं होती ना, थोड़ी सी मेहनत करा दो है, एकदम पसीने छूट जाते हैं। अभी स्पा की बात ये कर रहा था और मेहनत और पसीने की बात मेरे पे। करेंगे करेंगे, अभी 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 ट्रैम का देखते ना फन, ट्रैम का फन करते, उसके बाद टैक्सी भी करेंगे। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा यार ट्रैम में जाने का, इतनी भरी हुई होती है यहाँ पे ट्रैम। नहीं है तो कहाँ चढ़ेगा आप बता? लोग बाहर आएंगे, लोग बाहर है, कोई नहीं आएगा बाहर। किसी भले आदमी ने मुझ पे तरस खा के मुझे सीट दे दी, बट हर्ष अभी भी खड़ा ही हुआ है। आजा तू भी गोदी में बैठा, ही ओके कूल चिल गाय। तो पूरे 1 साल के बाद हम पहुंच गए हैं डॉल्माबाशे पैलेस। 15 मिनट लगे हैं, 15 मिनट कितना वॉक करना पड़ रहा है। सामने पैलेस दिख रहा है, ये सबसे अच्छी बात है कि ऐसे जो सी है उसके साइड पे है, तो व्यू बहुत अच्छा है और ठंडी हवा भी चल रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्या करने हैं, फोटोज लेते हैं। ये तो मेरी भाषा बोलने लग गए भाई, बोलनी पड़ेगी और क्या। ओ माय गॉड हर्ष, इतना लंबा क्यू यार, कैसे करें अब एंट्री? अबे कितने लोग जा रहे हैं भाई, कितने लोग जा रहे हैं पैलेस देखने? मैं बता रहा हूँ ये गेट है, यहाँ पे अपनी फोटो ले ले, दैट्स इट, फिर चलते हैं। कौन से हीरे जवाहरात हैं इस गेट के अंदर, पैलेस के अंदर भाई। चल यार एक काम करते हैं, मेरे से वैसे भी धूप बर्दाश्त नहीं हो रही, तू मेरी ना बस यहाँ पे एक फोटो ले ले बढ़िया सी। मैं भी यही कह रहा हूँ, चल फोटो लेके निकलते हैं, लेट्स गो। अरे वाह, गुड आइडिया। टैक्सी की जिद से शुरू हुई थी ये कहानी और पहुँच गई एक स्कैम पे, ऐसा स्कैम जो टर्की की हर गली गली में बहुत मशहूर है, टैक्सी स्कैम। गाड़ी पकड़ ले सर। अबे नहीं टैक्सी नहीं प्रेरणा, मेरी बात मान ले, टैक्सी बहुत महंगी पड़ेगी। तो मेरी जिद के बाद हमने टैक्सी तो रोक ली, पर उसके बाद जो हुआ उसके बारे में तो हमने सोचा भी नहीं था। तो हुआ ऐसा कि जैसे मैप पे उसने डाला सुल्तान अहमद हमारा होटल, हमें लगा ठीक है यार अभी ये नॉर्मली मैप फॉलो करेगा, हमें पहुंचा देगा। धीरे धीरे जैसे हम देख रहे 36 मिनट से टाइम हो गया 48 मिनट, मैंने देखा कि इसने रूट ना सीधा वाला छोड़ के राइट से ले लिया। भाई लेना चाहिए था ये वाला रूट जो कि 40 मिनट्स का है, पर ये बड़ा वाला रूट लिया है जो कि 56 मिनट्स का है। मैंने कहा चलो हो सकता है शायद ट्रैफिक ज्यादा है इसीलिए लंबा वाला रूट ले लिया, और ना वो बार बार अपना मैप बंद कर रहा ऑन कर रहा, बंद कर रहा ऑन कर रहा, मतलब ना कोई कोई अलग अलग बंदों को टेक्स्ट कर रहा, वॉइस नोट भेज रहा, हमें ऐसा फील करा रहा था कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ पर इस वजह से मैं मैप बंद कर रहा हूँ। क्या करें, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। ओ भाई साहब ये तो हमें और आगे लेके जा रहे हैं, क्या हो रहा है भाई? अरे भैया पहुंचा दो यार, इतना लंबा लंबा नहीं घूमना हमको। बोला भी उसके बाद भी उनका कोई रिस्पांस। मैंने बोला कि लंबा क्यों लिया भाई, इसको समझ भी नहीं आ रही ना बात, भाई पानी में ही ना पहुंचा दे कहीं दरिया के पास, सिटी टूर तो नहीं दे रहे हमें सिटी टूर। थोड़ी देर बाद हमने फिर देखा, भाई बंदा भी तो आपस में बातें कर रहा होता है, इतना थोड़ी ना ध्यान दे रहा होता है कि मैप में क्या हो रहा है। फिर हमने एकदम से अपना मैप चेक करा, 48 मिनट से 1 hour 16 minutes। I was like, what the hell? इतना ट्रैफिक क्या हो गया, इतना टाइम लग रहा है। टेक द शॉर्टर रूट, हम 40 मिनट्स में पहुंचने वाले थे, अभी 1 घंटा हो गया। भाई बार बार अपनी कोई कहानी सुना रहा है और हर्ष भी शुरू हो गया। स्टमक पेन प्रेरणा, पेट में दर्द हो रही है, भूख लग रही है, जल्दी पहुंचा दो। सेंटर से जाना था, भाई ने पहले राइट लिया फिर और राइट लिया, फिर बिल्कुल बॉस्फोरस रिवर के पास पहुंच गया, इतना कॉर्नर में। मैंने कहा भाई अब इससे ज्यादा क्या करेगा, अब तो साइड में पानी पानी है, पानी के अंदर तो अपनी टैक्सी चलाएगा नहीं, इससे लंबा रूट कोई है नहीं, ले ले अब क्या कर सकते हैं।
ट्रिपल टाइम वाला रूट लिया भाई ने, सबसे लॉन्गेस्ट वे, और हमें कहानी क्या सुना रहा है गूगल ट्रांसलेट पे, ट्रैफिक, वेरी मच ट्रैफिक। हाँ, कहीं कहीं से रूट भी बंद है, यूं भी बता रहा था वो, बता रहा था रोड्स बंद है, वेरी बैड टाइमिंग, ये वो पता नहीं, बड़ी कहानियां सुनाई उसने हमें। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने वापस आके अपने होटल वालों से बात करी, उन्होंने हमें बताया कि आप लोग तो बहुत ज्यादा सही बच गए कि आपने सिर्फ 500 लीरास दिए इनको, तो हमने ऐसी ऐसी कहानियां सुनी है टैक्सी स्कैम की, आप सोच भी नहीं सकते हो, एंड नेवर टेक अ टैक्सी इन इस्तांबुल, को बिल्कुल मना करा हुआ है टूरिस्ट को कि टैक्सी मत लेना, ट्रैम्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये सब यूज करो, दैट वुड बी बेटर। इसलिए कहते हैं टर्की में हो तो ये कार्ड ले लो, बस इस्तांबुल कार्ड, इससे ही ट्रैवल करो, इसको रिचार्ज कराते रहो, आपको प्राइस भी दिखता रहेगा कितना प्राइस है इसमें, कितने डिडक्ट हो रहे हैं। अब हमारा प्लान यही है, हमने एक फिक्स्ड टूर ले लिया है जिसमें सब कुछ वो लेने आएंगे हमें और छोड़ने भी आएंगे और हमें क्रूज में लेके जाएंगे, तो चलते हैं, तैयार होते हैं क्रूज के लिए, टाइम भी होने वाला है। आई होप उसमें कोई स्कैम ना हो हमारे साथ। लेटर दैट सेम इवनिंग, सो फाइनली वो टाइम आ गया है जिसका हर्ष को बेसब्री से इंतजार था, बेली डांस देखने का। तो अभी हमारे पिकअप के लिए कार आने वाली है, ऑलमोस्ट 2 या 3 मिनट्स बचे हैं, बट इस बंदे का ना मेकअप ही खत्म नहीं हो रहा, कितना क्या मेकअप लगाते हैं हर्ष, मुझे बताइयो। ओ प्रेरणा, पता है गाड़ी कौन सी लेने आ रही है? बात मत, तू डाइवर्ट कर। लेमो मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ बेली डांस करने के लिए। नोरा फतेही, लेट्स गो। और ये लड़की मुझे अभी बोल रही थी खुद हो गई है मेकअप करना स्टार्ट। शनाया, तेरी लैम्बो वेट कर रही है यार। तो सोचा था सुबह के स्कैम के बाद शाम को अच्छा सा ट्रिप बुक कराएंगे, डांस करेंगे, बहुत मजे करेंगे, पर अभी तो हमें बहुत कुछ देखना बाकी था। पैसे लगते हैं इसमें जाने के? नो मनी, नो मनी यार। तो तूने तो कहा था लेमो कराइए मैंने तेरे लिए। या लेमो, नो लेमो, अदर लैम्बो। ओ नो, इसको लैम्बो में जाना था। बिग बस में जाएगा, कोई बात नहीं, बहुत मजा आने वाला है। वैसे यहाँ का ना इवनिंग के टाइम माहौल ही अलग हो जाता है जहाँ पे हमारा होटल है। एक बार आपको दिखाती हूँ, ये जो एरिया है इतना कलरफुल, इतने प्यारे, जिस दिन फर्स्ट डे आए थे सोचे थे यहाँ बैठेंगे, एक भी दिन नहीं बैठे। अब रिकॉर्ड कर, अब रिकॉर्ड कर। मैं कह रही हूँ मेरी बनाते से यहाँ से जाते हो, वेरी वेरी बैड है, लग अच्छा रहा वैसे। तो जो क्रूज ट्रिप हमने बुक कराया था वो बहुत ही कमर्शियल था, इट वॉज अ काइंड ऑफ मनी मेकिंग गिमिक। मजा आ रहा है बस में बैठ के, बहुत मजा आ रहा है यार। क्या सोचा था और क्या हुआ? कोई बात, हम ट्रेनिंग से ही कर रहे हैं आज, वाइट वाइट है, ये हमारा एम था, डेली ऐसे ही कपड़े पहनने हैं जो मैच करें। अबे यही तो क्रूज नहीं है हमारी, पार्टी तो यही स्टार्ट हो गई। गाने का नाम है गैस भराओ, गैस भराओ, गैस भराओ, गैस भराओ। मुझे लग रहा है क्रूज रूज पे कोई ले जाना नहीं है हमें, यहीं पर ही ट्रिप हो गया। गैस भराओ, जस्ट कंसीडर दिस। प्रेरणा बोर्ड करने जा रही है अपना क्रूज। मैं जल्दी भाग रही हूँ। क्यों प्रेरणा, गिर मत जाइयो तू, तेरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। अच्छी वाली जगह है। कौन सी अच्छी जगह है? सारी जगह अच्छी होती है यार। थैंक यू। आपको एक बोर्ड के ऊपर फंसा देते हैं और हर टेबल पे जा जाके हर परफॉर्मेंस के लिए वो आपसे टिप मांगते हैं। क्या वो नींद आ रही है? तेरे क्या कहने यार, अबे तूने बोला उन्होंने दे दी, उन्होंने कहा पूरी शिप आपकी है, पीछे बैठा नहीं है इस लड़की से, ऊपर आ गए हम, फोटो बना ले। अरे यार मेरे पीछे पड़ा रहता है हर टाइम, बुरी सही लग रही है पता, सच बता। फॉलो मी टू करते हैं यहाँ पे, आ जाओ। हाँ अंदर पानी में जाते हैं फॉलो करके, तू जा पहले आगे, मैं फॉलो कर रहा हूँ, जा जंप कर। बड़ा प्यारा लग रहा है यहाँ से, तो आप फॉलो मी टू। पहले बता एशिया कौन सा, यूरोप कौन सा? वो एशिया, हम यूरोप में अभी, ऐसे बोल रही हूँ मुझे नहीं पता। 5 minutes later. कैसे प्रेरणा? इतनी भूख लग रही थी कि पीना पड़ा टोमेटो सूप। प्रेरणा एंजॉय कर। बहुत लिटरली वो आपके टेबल से तब तक नहीं जाते जब तक आप अपनी जेब ढीली नहीं करते, एंड इट लुक्स रियली एम्बैरेसिंग। तो जब भी परफॉर्मर आपके टेबल पे आता है, एवरीबॉडी हैज देयर आईज ऑन योर टेबल, बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग लगता है। एंड देयर इज नो वे आउट। 11 बजे का टूर रात को 12:30 बजे खत्म हुआ। इट वॉज जस्ट अ स्कैम, अ मनी मेकिंग गिमिक। नेवर बुक दिस टूर। पहले तो तेरे को डांस देखना था, आप 12 के खड़ा हो गया। यार मैं सही बताऊँ, मेरे को ना बड़ी शर्म सी आ रही है। अच्छा। नाच रही है, मैंने कहा भाई मैं जा रहा हूँ बाहर, और ये जबरदस्ती मैं वहाँ बैठा रहा, तो मेरे को जबरदस्ती उसके पीछे लगवाएगी, डांस कर डांस कर डांस कर डांस कर। मैं तो बाहर आ गया, जो शरीफ बन रहा है, इतना शरीफ है नहीं, बहुत शरीफ हूँ मैं, ठीक है। कभी किसी चीज को गलत नहीं बोलती, बट आज मैं बहुत डिसअपॉइंटेड। यूरोप और एशिया साइड कौन कौन से हैं? अब इस टाइम तो मुझे भी नहीं पता यार, अंदर का पता नहीं, पर अभी हम वो
सुंदर सा देख रहे हो ब्रिज, वो क्रॉस करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ वेट कर रहे हैं। ठंड भी बहुत लग रही है प्रेरणा, कुकड़ी जम गई है मेरी, बता रही हूँ बीमार हो सकती हूँ मैं। हाय हाँ, कैप्टन बैठा भगा देगा। अबे ब्रिज बहुत दूर है यहाँ से, लग रहा है हमें 5 से 10 मिनट लगेंगे कम से कम पहुँचने में। तो क्या करें फिर? बैठते हैं, वेट करते हैं, हम तो यही बेचने। समुंदर में किसी को धक्का मारे तो वो बच सकता है, स्विमिंग कर सकता है। तू ट्राई करना ले। जगी भाई भी तो स्विमिंग करके गया था इंग्लिश के नाल में। दत बना लो तुझे। क्या सोचा था, बैली डांस देखेंगे? और यहाँ क्या डांस कर रही है तू? है पर मुझे यहाँ पे मजा आ रहा है। अब हम बहुत क्लोज आ गए इस ब्रिज के, अब क्या करें? अंदर चलते हैं, बहुत ठंड लग रही है। चेक चेक कम बैक चेक। ऐसा वाला हाल हो जाएगा हमारा। सीरियसली यार बहुत ठंड हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नहीं देख रहा मुझे ब्रिज, घर से देख लूंगी ब्रिज, बहुत ब्रिज है, फोटो ब्रिज देखेंगे हम। चलो यार चलो।